मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी और मध्यम ऊंचाई व मैदानी इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो गया है, जिसके चलते प्रदेश भर में मौसम के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में आ गया है, जिसके चलते आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। वहीं मंडी जिला उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि जिला के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी का समाचार मिला है और जिला प्रशासन किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से सतर्क है। वहीं उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे उच्च पर्वतीय इलाकों में जाने से बचें, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति का सामना न करना पड़े। आज 7 फरवरी का जो मौसम विभाग द्वारा एक अलर्ट इशू किया गया है कि हमारे जो मिडिल हिल्स है, हाई हिल्स है, इसमें काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी बारिश होने की संभावना है। उस दृष्टि से हमने अलर्ट इशू किया है और पूरे हमारे सभी जो सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की है। नॉर्मल हमारे मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी जानकारी सबको पहुँचाएंगे। आज के दिन में अभी हमारे ऊपर वाले क्षेत्र में बर्फबारी हो रही है, विशेषतः हमारा जो बाली चौकी के ऊपर का एरिया है, थाची का एरिया है, हमारा झंझली का एरिया है, हमारे कुछ चौकी भंडार का एरिया है, हमारा बरोड का एरिया, ये विशेषतः हमारे स्थान है जहाँ पर कि काफ़ी बर्फबारी होती है। तो उसमें हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है, कुछ तेज़ कहीं कहीं रिपोर्ट आ रही है। तो हम इस पर हम पूरी सिचुएशन को नज़र रखे हुए हैं और हमारी जो रिस्पांस टीम्स है वो सब जगह पर तैनात है। तो अगर कोई ऐसी आवश्यकता पड़ेगी तो रिस्पॉन्ड करेंगे। ये ज़रूर है कि जब भारी बर्फबारिश होगी तो थोड़ा टाइम के लिए सड़क वगैरह का संपर्क टूट जाएगा, पर लोगों की अपनी तैयारी है ताकि लोग उसको मैनेज कर लें। और हमारी कोशिश ये रहेगी, हमारी पूरी जितनी भी हमारे पास मैन पावर मशीनरी है वो सब डिप्लॉयड है और वो तुरंत जितना जल्दी हो सके उतना रास्ता खोलने की कोशिश करेंगे। तो उस तरीके से हमारी तैयार है। अगर थोड़ी सिचुएशन की ग्रेविटी और बढ़ जाती है तो हमारा बैकअप रिस्पांस भी तैयार है, उस तरह से हम रिस्पॉन्ड करेंगे। जहाँ पर कि बिजली के खंभों की हमारी तैयारी रखी हुई है, तो अगर कहीं डैमेज होती है लाइन तो उसके लिए सिस्टम हमारा इन प्लेस है उसको ठीक करने के लिए। तो पूरी दृष्टि से हम सिचुएशन पर नज़र रखे हुए हैं और किसी भी आपातकालीन स्थिति में रिस्पॉन्ड करने के लिए भी हमारी तैयारी है। मेरा लोगों से आग्रह रहेगा कि ऐसे मौसम में ऊपर वाले क्षेत्र में जहाँ पर भारी बर्फबारी हो रही है वहाँ पर ना जाएं, कोशिश करें कि घर में ही रहें, ताकि ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि कोई दूर चला जाए और फिर उसके बाद में रास्ते बंद हो जाए और वो कहीं फंस जाए। ऐसी घटनाएं पहले जिले में भी हुई है, तो हमारा आग्रह लोगों से है कि अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, ताकि इस जो हैवी रेनफॉल स्नोफॉल हो रहा उसे हम बच सकें और जीवन को नॉर्मल सी ला पाए। कल इन नंबर हमारे ज़िले में है, जो मेन मुख्य नंबर है हमारा 1077 है, जो टोल फ्री नंबर है, और ज़िले से कहीं से भी आप फ़ोन करेंगे तो हमारी 24/7 डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम यहाँ पर डीसी ऑफिस में स्थापित है, वहाँ पर हमेशा ही कोई ना कोई आपका फ़ोन उठाएगा और उसमें रिस्पॉन्ड करेंगे। और अगर वो 1077 नहीं लगता है तो 226-201-202-203-204 इस तरह के हमारे और नंबर्स भी हैं, जिस पे भी लोग हमें फ़ोन करके अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बता सकते हैं, सिचुएशन रिपोर्ट भी दे सकते हैं, ताकि हम भी अपडेटेड रहें कि दूर दराज के एरिया में क्या स्थिति हो रही है, कितनी बर्फबारी हो रही है।